सप्लीमेंट्री बोलते हैं, या फिर बायोमेट्रा हो सकता है, मतलब पस कलेक्ट इन यूट्रस, ठीक है। अब जो फाइब्रॉइड है वो उसके ऊपर प्रेगनेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब प्रेगनेंसी कैसे इफेक्ट करेगी फाइब्रॉइड पे, अगर फाइब्रॉइड है तो यूट्रस में, तो प्रेगनेंसी कैसे इफेक्ट करेगी, तो प्रेगनेंसी तो उसमें क्या हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से फाइब्रॉइड का साइज बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वास्कुलर चेंजेस भी होते हैं, तो वास्कुलर की ज़्यादा ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है यूट्रस में, तो उसकी वजह से हो सकता है जो फाइब्रॉइड है उसका साइज बढ़ जाए, ठीक है। हाइपरट्रॉफी या फिर हाइपरप्लेसिया हो सकता है, ठीक है। और फाइब्रॉइड है वो सॉफ्ट फील हो सकता है, ठीक है, या फिर उसकी साइज शेप भी चेंज हो सकती है, शेप चेंज हो सकती है यूट्रस की, सॉरी फाइब्रॉइड की, ठीक है। और उसके अलावा डी जनरेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेड डी जनरेशन, ठीक है, और इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, तो ये सब प्रेगनेंसी की वजह से फाइब्रॉइड पर इफेक्ट होता है। तो रेड डी जनरेशन क्या होता है कि जो फाइब्रॉइड है वो नियरली सेकेंड प्रेगनेंसी में बढ़ता है, प्रेगनेंसी के साथ साथ फाइब्रॉइड भी बढ़ता है, तो वो जहाँ तक बढ़ता है वहाँ जहाँ तक हो सकता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो ना हो, तो कम ब्लड सप्लाई के कारण मतलब उसकी साइज बढ़ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो मतलब अगर इंक्रीज हो रही है और वहाँ तक ब्लड सप्लाई अगर नहीं जा रही, तो कम ब्लड सप्लाई के कारण वहाँ पे नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा और वो एरिया डीजनरेटिव हो जाएगा, तो वो होता है रेड डीजनरेशन। तो इसका मेन कारण यही होता है कि वहाँ ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, ठीक है। अब देखते हैं इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में एक्यूट ऑनसेट पेन हो सकता है, ठीक है, और ट्यूमर के कारण, और मलेस या फिर फीवर भी हो सकता है, या ड्राई ब्लड टंग हो सकती है, ठीक है, या फिर एब्डोमन पेन, सीवियर एब्डोमन पेन हो सकता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन या वोमिटिंग हो सकती है, रैपिड पल्स हो सकती है, ठीक है, और टेंडर जो यूट्रस है वो टेंडर रिजिड फील हो सकता है, ठीक है, और इसके साथ साथ ल्यूकोसाइटोसिस भी देखने को मिल सकता है। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, तो डायग्नोसिस के लिए पास्ट हिस्ट्री लेंगे फाइब्रॉइड की, पहले की प्रेगनेंसी में तो फाइब्रॉइड की कंडीशन नहीं हुई थी, ठीक है, और उसके अलावा एग्जामिनेशन करेंगे, पहले एग्जामिनेशन करेंगे, यूएसजी करके देख सकते हैं, तो यूएसजी में साइज शेप लोकेशन कहाँ है फाइब्रॉइड यूट्रस में, तो वो सब दिख जाएगा। एमआरआई करवा के हम देख सकते हैं, फिर कलर डॉक्टर भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो जो एंटीनेटल ट्रीटमेंट है क्या करेंगे, ट्रीटमेंट रूटीनली एएमसी फॉलोअप करेंगे, ठीक है, एंटीनेटल चेकअप फॉलोअप करेंगे, सारे उसके इन्वेस्टिगेशन करेंगे या और साथ में प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको देंगे, ठीक है। और जो प्रेशर सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, टेंशन, यूरिन, अदर ऑर्गन्स पे जो प्रेशर हो रहा है फाइब्रॉइड की वजह से, तो उसको रिलीज करने के लिए हम पोजिशन चेंज कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है, बेड रेस्ट दे सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो फाइब्रॉइड है उसको डिजिटली लिफ्टिंग कर सकते हैं उसकी, ठीक है। तो लिफ्टिंग करने के लिए रेक्टली या वेजाइनली अप्रोच के थ्रू हम उसको लिफ्ट करेंगे, ठीक है, पेशेंट को नी एल्बो पोजिशन देके उसको हम डिजिटली ट्यूमर को लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा डाइट्री केयर उसके देंगे, प्रॉपर डाइट देंगे पेशेंट को, कॉन्स्टिपेशन और रिटेंशन यूरिन इन सब का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। और जो रेड जनरेशन हो रहा है, ठीक है, उसके मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ही करेंगे, तो उसके लिए बेड रेस्ट, या फिर वहाँ पे पेन हो सकता है तो एनाल्जेसिक देंगे, तो एनाल्जेसिक में आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, ठीक है, और पीसीएम दे सकते हैं, पैरासिटामोल दे सकते हैं, इसके अलावा सेडेटिव्स दे सकते हैं, अगर एनाल्जेसिक से रिलीफ नहीं आते तो सेडेटिव्स दे सकते हैं, पेथिडीन वगैरह दे सकते हैं, प्रोमेथाजिन दे सकते हैं, ठीक है।
नहीं आती है। और स्टार्टअप भी कर सकते हैं अगर फैमिली कंप्लीट फैमिली है तो, या फिर ब्लीडिंग हो रही है उसको, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो इस कंडीशन में हम स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रापार्टम मैनेजमेंट क्या हो सकता है इसका ड्यूरिंग डिलीवरी? तो इंट्रापार्टम मैनेजमेंट के लिए वेजाइनल डिलीवरी इसमें प्रिपेयर करेंगे, मतलब स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हो, किसी भी तरीके का फोर्स ठीक है नहीं लगे, स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी हो। ठीक है, और जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी उसको अच्छे से विजुअलाइज करेंगे हम, देख कॉम्प्लिकेशन को हम मतलब असेस करते रहेंगे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, और कोई जैसे इमरजेंसी कुछ मेडिसिन जैसे ऑक्सीटोसिन है या फिर ब्लड है या फिर कुछ अदर इंस्ट्रूमेंट है वो हम अरेंज करके रखेंगे। और जो मेनली क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंट लेबर जो मोस्ट ऑफ ट्यूमर होते हैं, मतलब जो फाइब्रॉइड होते हैं वो जब प्रेजेंटिंग पार्ट जब फीटस नीचे की ओर आता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है उस समय वो फाइब्रॉइड ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब वो शिफ्ट हो जाता है अपनी जगह से, लेकिन कई बार ऐसा नहीं हो पाता है तो उस जगह पर हम सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिजेरियन सेक्शन के लिए क्या क्या इंडिकेशन होते हैं कि अगर लार्ज फाइब्रॉइड है, ठीक है, और अगर फीटस की प्रेजेंटेशन माल प्रेजेंटेशन है फीटस की, या फिर यूटेराइन इनर्शिया की कंडीशन है तो उस कंडीशन में सिजेरियन सेक्शन भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सिजेरियन सेक्शन में क्या करेंगे, जो इंसीजन है वो फाइब्रॉइड से थोड़ा दूरी पे लगाएंगे। ठीक है, तो और लोअर सेगमेंट में लगाएंगे और ट्रांसवर्सली इंसीजन लगता है इसमें। ठीक है, अब पोस्टपार्टम क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका? पोस्टपार्टम में हम ब्लीडिंग के लिए असेस करते रहेंगे। ठीक है, पीपीएच ना हो पीपीएच को असेस करते रहेंगे, या फिर प्लेसेंटा रिटेंड है तो नहीं है हम लोग। ठीक है, तो रिटेंड प्लेसेंटा के लिए ऑब्जर्व करेंगे और साथ में उसको पेन है तो उन सब के लिए कंजर्वेटिव उसका मैनेजमेंट करेंगे। तो हमने ये पढ़ा आज फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी, एक बार आप इसकी इमेज देखिए फाइब्रॉइड इन प्रेगनेंसी की, जिसमें कि फाइब्रॉइड सब म्यूकस इंट्राम्यूरल एंड सब सीरोसिस में प्रेजेंट है।